वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम टाटा पावर स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट न्यूज़ भी यहाँ पे देखने वाले टाटा पावर स्टॉक के लिए। तो टाटा पावर स्टॉक की न्यूज़ की भी बात की जाए तो लेटेस्ट न्यूज़ है वो भी यहाँ पे हम देखने वाले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके पहले टाटा पावर स्टॉक देखा जाए तो 249.80 पे ट्रेडिंग कर रहा है। आज के दिन में 1.65 पैसे अप पे देखा जाए तो अभी रिसेंटली टाटा पावर स्टॉक यानी कि आज गैप अप से ओपन हुआ था 250 के ऊपर, पर ऊपर ज़्यादा समय सेटल नहीं हो पाया तो यहाँ पे फिर से गिरावट देखने को मिली और 250 के नीचे यहाँ पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाटा पावर स्टॉक की बात की जाए तो प्रीवियस जो क्लोजिंग थी 248 नीचे भी आएगा तो प्रीवियस क्लोजिंग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी टाटा पावर स्टॉक के लिए, वही से बाउंस बैक होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ओपन हुआ था आज 250.90 पे, हाई भी बनाया था 253.20 का आज और लो है 249.25 का। मार्केट कैप भी देख सकते हो 79.88,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और पी रेशियो है 45.82 का, डिविडेंड यील्ड भी है 0.62% का। तो यहाँ पे देख सकते हो कि तकरीबन यहाँ पे टाटा पावर स्टॉक की न्यूज़ भी देखी जाए तो लेटेस्ट न्यूज़ देख सकते हो कि ये जो ब्लू कलर में है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा पावर कंपनी टू इंस्टॉल 5,000 electric vehicles charging point across Maharashtra. The company has collaborated with National Real Estate Development Council to install 5,000 electrical vehicle charging points across Maharashtra. तकरीबन महाराष्ट्र में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में 5,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे बिठाने वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा पावर कंपनी। तो इसी की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं आज न्यूज़ में रहेगी टाटा पावर स्टॉक और ये लेटेस्ट न्यूज़ भी है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट टाटा पावर स्टॉक के लिए।